नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 11 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश सरकार ने मंत्री विजेंद्र यादव को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के किसानों के लिए शहर में ठहरने की होगी खास व्यवस्था। बिहार में दिसंबर से नहीं होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल। रोहतास और औरंगाबाद में मिला क्रोमियम का भंडार। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना को मिला फायदा तो एनआईटी को हुआ नुकसान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नागरिक संस्थान सूचना विभाग सीआरआईडी ने निकाली रिक्त। नागरिक संस्थान सूचना विभाग ने ड्रोन पायलट के कुल मिलाकर 10 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री होना अनिवार्य है। सीएम नीतीश के एतराज से हरकत में आए सभी जिलाधिकारी। सीएम नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुनने के लिए लगातार जनता दरबार का आयोजन करवा रहे हैं। इस दौरान उनके सामने शिकायतों का अंबार लग गया है, जिसमें जमीन से जुड़े मामलों ने रेस में बढ़त हासिल की है। यही कारण है कि इन मामलों के निपटारे के लिए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को तुरंत ही एक्शन लेने की बात कही थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी डीएम को पत्र जारी कर नापी से संबंधित मामलों के निष्पादन की बात कही गई है। राजस्व विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिख भू नापी में संबंधित मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि अंचलों में भूमापी के कारण हो रहे विवादों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि भू नापी से संबंधित आवेदनों को ससमय और निष्पक्ष तरीके से निष्पादित करने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को आदेश निर्गत किया जाए, ताकि वो विवादों को कम कर सके। बिहार में गन्ने से जुड़े उत्पादन को मिल सकता है उद्योग का दर्जा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार में सरकार अहम कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत ही बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां गन्ने से बनने वाले गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा जल्द ही दिया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी सीएम नीतीश ने शुरू कर दी है। इस बाबत न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने भी बताया है कि बहुत जल्द कैबिनेट में इस योजना को पेश कर मंजूरी देने की कोशिश सरकार करने वाली है। प्रमोद कुमार ने आगे ये भी बताया कि बिहार के कई जिलों में, खासकर उत्तर बिहार के चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण सहित कई और जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा का जन्म दरभंगा बिहार में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता शंभुनाथ मिश्रा, जो कि एक पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा वाराणसी से केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस से की थी। इसके बाद इन्होंने बैचलर्स की डिग्री पूरी करने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश किया और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। संजय मिश्रा में एक भारतीय फिल्म के हास्य अभिनेता है। इन्होंने अधिकतर हिंदी फिल्में तथा टेलीविजन धारावाहिक में अभिनय किया है। इन्हें आंखों देखी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया था। वहीं हाल ही में टोटल धमाल में भी ये दिखाई दिए थे। नीतीश सरकार ने मंत्री विजेंद्र यादव को दी बड़ी जिम्मेदारी। बीते दिन नीतीश सरकार ने मंत्री विजेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है, जो कि अगले 3 साल या अगले आदेश तक जो भी काम हो उसके लिए मनोनीत किए गए हैं। ज्ञात हो विजेंद्र यादव बिहार के ऊर्जा मंत्री सह योजना एवं विकास विभाग के मंत्री हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले पूर्व मुख्य सचिव GS कंग बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा अशोक कुमार मिश्रा को एक बार फिर से बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य आधारभूत संरचना क्षेत्र के पद पर नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति भी 3 साल के लिए की गई है, जिसकी जानकारी योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी करके दे दी है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए नहीं होना होगा परेशान। बिहार में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए परेशान हो रहे कर्मियों के लिए अहम सूचना। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में दी जाने वाली ड्यूटी को लेकर अब अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव में एक कर्मचारी की अधिकतम 4 बार ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे पहले चुनाव में 3 बार ड्यूटी का नियम था, लेकिन इस बार नियमों में बदलाव करते हुए एक कर्मी को अधिकतम 4 बार ड्यूटी दी जाएगी। ड्यूटी करने में कोताही बरतने और ड्यूटी से गायब रहने की स्थिति में कानून सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। ज्ञात हो कर्मचारियों को परेशानी थी कि हर चरण में उनकी ड्यूटी लगा दी गई तो वो थक जाएंगे। बीमार और उम्रदराज कर्मचारी अधिक परेशान हैं, लेकिन अब सरकार ने इस बाबत स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी है। बिहार के
29 जिलों में अगले 48 घंटे में तापमान बढ़ने की संभावना। बिहार में मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 48 घंटे में तापमान बढ़ने की संभावना है। बारिश का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को बिहार में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान पहले ही जारी किया जा चुका था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश नहीं होने के कारण इसमें गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने तो आने वाले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। बीएससी में बिहार बोर्ड इंटर में ग्रेस मार्क से पास छात्रों का जारी हुआ मार्कशीट। कोरोना के बढ़ते माहौल को देखते हुए बिहार बोर्ड ने इंटर में फेल हुए छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया था, जिसके बाद अब बीएससी ने बीते दिन मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अधिकतम 2 विषयों में फेल हो गए जिन भी छात्रों को बोर्ड की तरफ से ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दी गई है, जिसके बाद अब शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान के विद्यार्थियों के मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आदि अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। बिहार में किसानों के लिए शहर में ठहरने की होगी खास व्यवस्था। अब बिहार के किसानों के लिए शहर में ठहरने की खास व्यवस्था होने वाली है। बिहार के सभी प्रखंडों में किसान कृषि संबंधी काम भी अब ई किसान भवन में आसानी से करवा सकेंगे। इसको लेकर कृषि विभाग ने भी काम शुरू कर दिया है। कृषि विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 534 में से 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है। कृषि विभाग ने इसके संचालन की प्रक्रिया भी तय कर दी है। जल्द ही इसकी मदद से किसानों की सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। हालांकि अभी भी भवन बनने का काम लगभग 80 प्रखंडों में बाकी है, जिसके तहत अब प्रखंड के आला अधिकारियों के पास किसी योजना के अनुदान का आवेदन जमा करना हो या किसी विज्ञानी से खेती की सलाह लेनी हो, सारी सुविधाएं ई किसान भवन में उपलब्ध होंगी। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना को मिला फायदा तो NIT को हुआ नुकसान। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के 2 कॉलेज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से एकमात्र संस्थान IIT पटना को जगह मिली है। सबसे खास बात यह है कि IIT पटना अपने ओवरऑल रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है। NIRF 2021 के ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना 47.67 स्कोर के साथ 51वें स्थान पर है। वहीं 2019 में ये काफी नीचे था, जो कि इस बार बेहतर है। पिछले 3 सालों में IIT पटना से अपने ओवरऑल रैंकिंग में काफी सुधार किया है। वहीं दूसरी तरफ NIT पटना ओवरऑल रैंकिंग से बाहर हो गई है। बिहार में गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान। बिहार में गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच और टीकाकरण को लेकर जल्द ही एक विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है। इस बाबत 13 सितंबर को बिहार में खास तैयारी की जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली और टीकाकरण को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जन और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षकों को निर्देश भी जारी कर दिया है। हालांकि पहले यह अभियान 9 सितंबर से शुरू किया जाना था, लेकिन तीज के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की माने तो भारत सरकार के निर्देश पर ही सभी जिलों में खास अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत इसे पूरा किया जाएगा। रोहतास और औरंगाबाद में मिला क्रोमियम का भंडार। रोहतास जिले को खनिज संपदा परिपूर्ण जिला कहा जाता है। वहीं अब इस जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में जिले को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत सर्वेक्षण को सर्वे से जिले के अंदर क्रोमियम और निकेल धातु के भंडार की जानकारी मिली है। विशेषज्ञों की माने तो जिले में क्रोमियम और निकेल जैसे धातु के नए ब्लॉक का मिलना बड़ी उपलब्धि है। इसके खनन को लेकर अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। खनन कार्य शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर यहां के लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकार को राजस्व का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ बिहार के औरंगाबाद के जंगलों की किस्मत भी चमकने वाली है, क्योंकि केंद्रीय जियोग्राफिकल टीम की सर्वेक्षण टीम की खोज में मदनपुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी उमगा पंचायत का डेजना गांव के आसपास का जंगली और पहाड़ी इलाके में खनिज संपदा का भंडार मिला है। बिहार में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में डेंगू और कोरोना के मार के बीच स्वाइन फ्लू की पुष्टि से ही हड़कंप मच गया है। बिहार में इस समय वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के बेड लगभग फुल बताए जा रहे हैं। वहीं SKMCH, GMCH सहित कई अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें स्वाइन फ्लू पाया गया है। ज्ञात हो यह इस साल का पहला मामला है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है।
हालांकि भर्ती मरीजों के हालात फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं। ऐसे में पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी ने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि मामले की जानकारी मिल गई है, जांच के लिए टीम को भी लगा दिया गया है। इंस्पेक्शन के लिए पहुंची टीम को गायब मिले 90% कर्मी। बिहार सरकार हर बार बिहार की सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दावे करती रही है, हालांकि बिहार सरकार के इन दावों को शिक्षक आए दिन गलत साबित भी करते देखे गए हैं। ऐसा ही कुछ मामला बीते दिन भी सामने आया है, जब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जांच ने जांच की इस दौरान उच्च माध्यमिक विद्यालय पैनल का निरीक्षण करने गई टीम भी दंग रह गई, जब स्कूल में शिक्षक से लेकर अन्य 90% तक कर्मी गायब मिले। जांच टीम ने प्राचार्य से सवाल किया तो वो बोले, दो टीचर बैंक में चालान के लिए गए हैं, कई तो बिना बताए छुट्टी मार चुके हैं। हालांकि इसके बाद अनुपस्थित कर्मियों से 3 दिनों के अंदर जवाब की मांग की गई है, जिसको लेकर पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्र ने भी चिंता जताई है और कहा कि ऐसे तो हो गई पढ़ाई और बन गया छात्रों का भविष्य। बिहार में दिसंबर से नहीं होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल। प्लास्टिक के कारण प्रदूषित हो रही धरती को बचाने के लिए बिहार सरकार ने अहम पहल की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने पहले ही दिसंबर महीने से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात कही थी। वहीं इस बात को लेकर बीते दिन बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मुहर लगा दी है, जिसके तहत अपने रोहतास दौरे पर उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर साफ कहा है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, जो बिहार में दिसंबर महीने से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अधिक पेड़ पौधे लगाकर स्वच्छ वातावरण बनाकर प्रदूषण से निजात पाए जाने की बात भी कही है। पंचायत चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर को दिया गया ट्रेनिंग। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इन सब के बीच जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पंचायत चुनाव संबंधी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में अब ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। इस कड़ी में निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन में चुनाव को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्ञात हो, इस बार बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव का आयोजन ईवीएम और बैलेट पेपर के इस्तेमाल से किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में तैयारियां भी तेज है और यही कारण है कि प्रशिक्षण का काम भी किया जा रहा है। की हड़ताल का जल्द समाधान निकाले जाने की कही गई बात। बिहार में इन दिनों नगर निगम कर्मी हड़ताल पर है, जो कि सरकार से अपनी 12 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। इन सबके बीच नगर निगम कर्मियों को लेकर सरकार की तरफ से पहली दफा कोई बयान आया है, जिसमें निगम कर्मियों की उम्मीद भी जगी है। दरअसल निगम कर्मियों की हड़ताल को लेकर बीते दिन जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्द समस्या का समाधान मिलेगा। ज्ञात हो, पटना नगर निगम के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले है। हड़ताल के कारण शहर की हालत खराब हो चुकी है, जगह जगह कचरा फैला है, चौक चौराहों में कचरा नहीं उठने से गंदगियां फैलने लगी है, जिससे आम जनजीवन बहुत ज्यादा परेशान है। कोसी और सीमांचल वासियों को अगले महीने से मिलेगी निर्बाध बिजली। कोसी और सीमांचल वासियों के लिए अहम सूचना। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के आदेशानुसार अब कोसी और सीमांचल वासियों को अगले महीने से ही निर्बाध 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलने लगेगी। इस बाबत ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव बीते दिन सीहोल पावर ग्रिड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीहोल गांव के समीप बन रहे पावर ग्रिड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 350 करोड़ राशि से 35 एकड़ जमीन में पावर ग्रिड निर्माण का काम हो रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने की 15 तारीख से कोसी और सीमांचल वासियों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। लालू यादव से मिलने निकले तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली में हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में तेज और तेजस्वी दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच उत्पन्न हुई दीवार को अब लालू ही खत्म कर सकते हैं और बातचीत का जरिया भी फिलहाल वही है। इस बीच बिहार राजद में जारी खींचतान के बीच ही तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने पिता से मिलने दिल्ली रवाना हो गए। ज्ञात हो, तेज प्रताप की यह पिछले 20 दिनों में दूसरी यात्रा है। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल से बचते देखे गए, लेकिन जानकारों का यही कहना है कि इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बातचीत की कोई संभावना बन सकती है, लेकिन तेज प्रताप का यह दौरा क्यों और किस लिए है, इस बात की कोई जानकारी निकलकर फिलहाल सामने नहीं आई है। सीएम नीतीश के मंत्री जी ने चिराग को दी दो टूक नसीहत। रामविलास पासवान की बरखी को लेकर चिराग बिहार से लेकर केंद्र सरकार के सभी बड़े चेहरों को आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग ने सीएम से भी मिलने का समय मांगा था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सीएम की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन नीतीश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित सिंह ने चिराग को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान के पास कोई काम नहीं है, ना ही कोई विचारधारा है, तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार उनसे मिलकर भी क्या करेंगे।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सितंबर वर्ष 1906 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुरकी शहर पर कब्जा कर लिया था। शिकागो में 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में 1996 को पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पीएन भागवती 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चौथी बार पुनर्निर्वाचित हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म 1895 में आज ही के दिन हुआ। ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का निधन 1948 में आज ही के दिन हुआ था। कोरोना के चलते रद्द हुआ भारत बनाम इंग्लैंड का मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच वायरस के कारण रद्द कर दिया गया। यह फैसला दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड की आपसी सहमति से लिया गया। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए टीम इंडिया ने पहले दिन मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस फैसले को मंजूरी दी गई। इससे पहले मैच को लेकर अपडेट जारी किया गया था कि शुक्रवार से शुरू होने वाले मैच तय समय पर शुरू नहीं हो पाएगा। इस सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे है, लेकिन 5वें मैच के रद्द होने की सूरत में इस मैच को इंग्लैंड के खाते में जोड़ा जाएगा या फिर भविष्य में इस रद्द हुए मैच को फिर से आयोजित किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। स्नैपचैट ने भारत में लॉन्च किया बर्थडे मिनी। स्नैपचैट ने भारत और अन्य देशों में एक नया बर्थडे मिनी फीचर पेश किया है, ताकि यूजर अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन पर आसानी से नजर रख सके। लेटेस्ट फीचर के साथ यूजर प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों से पर्सनल ग्रीटिंग्स और जन्मदिन मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर नया फीचर स्नैपचैट को अपकमिंग और हाल के जन्मदिनों की लिस्ट दिखाएगा। यह एक अलग टैब में जोडियक साइन पर आधारित जन्मदिन को भी डिस्प्ले करेगा। दोस्तों के जन्मदिन पर नजर रखने के साथ एक यूजर अपने जन्मदिन का काउंटडाउन भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,280 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,730 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर था। आईएसबीटी बस स्टैंड की आई प्रशासन को याद। पिछले महीने मीठापुर बस स्टैंड का अस्तित्व खत्म होने के साथ ही आईएसबीटी का निर्माण हुआ था। हालांकि जब से इस बस स्टैंड की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार बस स्टैंड को लेकर शिकायतें सामने आ रही है। हालांकि लगभग 1 महीने पूरे होने के बाद अब प्रशासन को बस स्टैंड की याद एक बार फिर आ गई है, जिसके तहत ही बीते दिन जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आईएसबीटी के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बीते दिन बैठक की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिया गया, जिसके बाद बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महानगर चुंगी की वसूली दिन भर में सिर्फ एक बार ही की जाएगी। बस स्टैंड पर शौचालय की व्यवस्था होगी, वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस की कनेक्टिविटी शहर के विभिन्न भागों से करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही बस स्टॉप के लिए डॉर्मेट्री बनाने का भी निर्देश दिया गया है, जो कि 10 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, अमरेश कुमार, खुशी यादव, उजाला चौधरी, गौतम कुमार, अभिमन्यु यादव, सुमित कुमार पांडे, शबनम कुमारी, ओमकार सिंह, सतीश कुमार, नवीन कुमार, पिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, आर के शर्मा, पूजा कुमारी, रविन्द्र पासवान, आनंद रॉय। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच के रद्द होने के बाद विजेता की घोषणा कर देनी चाहिए या मैच का आयोजन बाद में करवाया जाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।